आमदन से ज़ायद सज़ा केस शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज नैब पेशी से कबल बरतानिया रवाना। सलमान शहबाज 29 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। नैब ने सलमान शहबाज से शरीफ फैमिली के असाजात की तफसीलात तलब की थी। इस पर बात करेंगे राहिल सैयद से। राहिल, सलमान शहबाज की पेशी कब होने जा रही थी और अचानक बरतानिया रवानगी की क्या वजह पेश आई? ये नैब में जो है हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के दो जो पेशी थे उसने नैब में तलब कर रखा था। असाजात केस के हवाले से भी नैब ने शरीफ जो फैमिली है खुसूसन शहबाज शरीफ हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की जो केसेज है उसके असाजात आमदन के हवाले से उस पर तहकीकात शुरू कर रखा था और इसके हवाले से जो है 2 नवंबर को बुलाया गया था असाजात केस में सलमान शहबाज और हमजा शहबाज को। तमाम 30 अक्टूबर को भी दोनों भाइयों को तलब किया गया था लेकिन वो जो केस था वो चिनोट शुगर मिल के हवाले से था। चिनोट शुगर मिल में जो है इन्होंने रमजान फैक्ट्री अपनी लगाई थी रमजान शुगर मिल के नाम से, वहाँ 20 करोड़ रुपए से जायद का जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किया था जिसके लिए खजाना पैसे जो है सरकारी खजाने से अदा किए गए थे। ताहम 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की पेशी से कबल ही सलमान शहबाज जो है लंदन रवाना हो गए। कहा यह जा रहा है कि वो 5 नवंबर को वापस आ जाएंगे लेकिन इस वाले से जो मुख्तलिफ हल्कों में जो जेल में गोलियां चल रही है उसके हवाले से ये कहा जाता है कि असाजात केस में क्योंकि नैब ने उनसे तफसीलात तलब की थी और शरीफ बरादरान जो अभी तक अपनी तफसीलात मुकम्मल तौर पर नैब को सलमान शहबाज से शरीफ फैमिली की असाजात की तफसीलात तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।